आज हम जो चैप्टर चालू करने वाले हैं वो है 12th का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में हमें पढ़ना है। बेसिकली हमें इस चैप्टर में जो भी स्टडी करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, चार्ज के बिहेवियर के बारे में स्टडी करनी है, गॉस लॉ पढ़ना है, कूलम्स लॉ पढ़ना है, ठीक है। अब जो हमारा 12th का सिलेबस है वो बेसिकली क्लासिफाई किया गया है चार्ज के मोशन के हिसाब से, चार्ज के मोशन के हिसाब से जो हमारी पूरी 12th का सिलेबस है चार्ज के किस मोशन के हिसाब से चल रहा है उसके हिसाब से हमारा जो सिलेबस है उसको क्लासिफाई किया गया। अब चार्ज हो सकता है रेस्ट में हो यानी स्टैटिक कंडीशन में हो, दूसरी चीज हो सकती है कि चार्ज मोशन में हो, चार्ज किस में हो मोशन में हो, ठीक है। स्टैटिक कंडीशन, स्टैटिक कंडीशन में जब रहेगा यानी जब रेस्ट में रहेगा तब दो चैप्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, एक है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और जो सेकंड चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक मतलब रेस्ट। तो पूरा हमारा सिलेबस है 12th का क्लासिफाई किया गया है चार्ज के मोशन के हिसाब से। अगर चार्ज रेस्ट पे है तब उसकी स्टडी होगी, तो उसके कौन कौन से चैप्टर इंट्रोड्यूस किए गए, और चार्ज जब मोशन में आ गया तब उसके कौन कौन से चैप्टर आएंगे। अब मोशन भी दो टाइप का हो सकता है, हो सकता है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हो रहा हो, दूसरा हो सकता है वेरिएबल वेलोसिटी के साथ हो रहा हो। बेसिकली हमारे जो चैप्टर्स है वो क्लासिफाई है चार्ज के मोशन के हिसाब से, एक तो चार्ज जब रेस्ट पे हो और चार्ज जब मोशन में हो। चार्ज मोशन में दो तरीके से हो सकता है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हो सकता है, एक वेरिएबल वेलोसिटी के साथ हो सकता है। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई चार्ज मूव करता है तब करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और यही हमारा इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद नेक्स्ट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें अपन चार्ज का मोशन स्टडी करते हैं। लेकिन उस चैप्टर में जो अपन चार्ज कंसीडर कर रहे हैं वो चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से थ्रू आउट मोशन कर रहा है, वेरी स्मॉल कांस्टेंट वेलोसिटी से जब चार्ज मूव करता है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तब करंट इलेक्ट्रिसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी से जब मूव करता है तो बाकी के जो चैप्टर्स बच जाते हैं जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, मैग्नेटिज्म। तो ये सब हमें स्टडी करना है चार्ज के मोशन के हिसाब से। ये सारे जो चैप्टर क्लासिफाई किए गए हैं, एक्चुअली ये सारे चैप्टर्स क्लासिफाई किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो किस तरीके का बिहेवियर प्रोड्यूस करेंगे उसकी स्टडी के लिए दो चैप्टर हैं, और चार्ज जब मोशन में रहेंगे तो मोशन भी दो तरीके का हो सकता है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, एक वेरिएबल वेलोसिटी के साथ। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज मूव करता है तब करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और दूसरा है वेरिएबल वेलोसिटी के साथ। तो जब चार्ज जब वेरिएबल वेलोसिटी से प्रोड्यूस करता है अपना मोशन तब ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिज्म, ये सारे उसमें इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया चैप्टर्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, चार्ज के मोशन के हिसाब से जो क्लासिफाई किया गया है चैप्टर्स को। ठीक है, अभी अपन जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं चार्ज के बारे में, कि चार्ज होता क्या है, ठीक है। चार्ज होता क्या है, चार्ज क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। चार्ज इज अ फंडामेंटल और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। चार्ज क्या है, फंडामेंटल या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। जैसे कि क्या फंडामेंटल या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब क्या, जैसे अपन देखें कि चार्ज के जैसे इस डस्टर है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किस चीज से बना है, वो सब बना हुआ है छोटे छोटे एटम्स के साथ। अब एटम्स के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या होता है,
इसकी स्टडी अभी तक की ही नहीं है। तो ये सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर क्या है नहीं पता, इसलिए चार्ज जो है एक फंडामेंटल या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, इसके अंदर क्या है वो हमें नहीं पता। अब चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम, ठीक है, चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम, उसका जो सिंबल है वो है क्यू, या फिर कभी कभी उसको स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हो सकता है नेगेटिव चार्ज। अब ये सब आप बेसिकली पढ़ चुके हो कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल, जब सेम चार्जेस रहते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अगर अपोजिट चार्ज है, कोई चार्ज पॉजिटिव है और कोई चार्ज नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बेसिक बेसिक चीजें आप सब पढ़ चुके हो, चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसके अंदर क्या है हमें भी नहीं पता, उसका ऐसा यूनिट कूलम होता है, उसका सिंबल क्यू या कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, सेम चार्ज से एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। और ये स्केलर क्वांटिटी, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ये सब बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया हमारा चार्ज के बारे में, चार्ज बेसिकली है क्या, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, जो भी है, इसके अपन ने ये सारी बेसिक चीजें अपन इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स दिए जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं। पहले चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, ठीक है, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, ये एनसीईआरटी ने सिर्फ एक लाइन दी है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, मैं उसका एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता हूं कि चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। अगर किसी बॉडी में हम पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज देंगे तो उसमें मास गेन या मास लूज होगा, जैसे कि चार्ज का कुछ ना कुछ तो मास है, चार्ज बहुत छोटी क्वांटिटी है लेकिन उसका कुछ ना कुछ तो मास रहता है, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 × 10⁻³¹ kg। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, मास ऑफ प्रोटॉन है 1.672 × 10⁻²⁷ kg, बहुत छोटा होता है। लेकिन अगर अपन किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज अगर मुझे करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, मान लीजिए ये वेस्टर है, मुझे इसको अगर चार्ज करना है नेगेटिव तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। अब अगर मैं इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूंगा इसको नेगेटिव चार्ज देने के लिए, तो उसका कुछ ना कुछ तो मास है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे उनका मास भी इसके साथ ऐड होगा, तो चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है, अगर जैसे अपन है, अपने पास मास है, मेरा कुछ वेट है, मास है, लेकिन मेरे पास चार्ज है, लेकिन चार्ज के पास हमेशा मास रहता है, तो कभी भी किसी बॉडी को चार्ज करोगे तो उसका मास गेन या लूज होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करता हूं तो मुझे उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा यानी वहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स का मास ऐड हो जाएगा। वैसे ही अगर मुझे इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को जब मैं इसमें से निकाल लूंगा तब इसमें क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स जो भी ट्रांसफर किए मैंने बाहर निकाले उनका मास इससे क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो इसका मास क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। तो चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, लेकिन मास ऑलवेज कम्स विद चार्ज ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने बताया अपना एग्जांपल कि जैसे मेरे पास मास है लेकिन मेरे पास चार्ज नहीं है, लेकिन चार्ज के पास मास है। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, चार्ज जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड है, यानी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। अगर कोई एक चार्ज है उसे मैं बहुत ज्यादा वेलोसिटी से भी ट्रैवल कराऊंगा तो उसके चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे मैंने 2 कूलम का चार्ज लिया, चार्ज
का यूनिट क्या है? कूलम। अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट पे 2 कूलम का चार्ज दे दिया और मैंने उसको बहुत स्पीड से ट्रैवल कराया तो उसके चार्ज की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 2 कूलम का चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे रखा उसमें बहुत ज्यादा वेलोसिटी से ट्रैवल भी करा रहा हूं तो उसकी चार्ज की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, मास ऑफ चार्ज डिपेंड्स ऑन स्पीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एनसीईआरटी में भी गिवन है कि मास ऑफ चार्ज डिपेंड्स ऑन स्पीड। अगर किसी चार्ज को मैं बहुत ज्यादा वेलोसिटी से ट्रैवल करा रहा हूं तो उसका मास इंक्रीज हो जाएगा। यही हमें आइंस्टाइन सर ने बताया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। उसका जो इक्वेशन है वो है m is equals to m naught upon under root 1 minus v square by c square। ये हमें इक्वेशन दिया गया था किसने? आइंस्टाइन सर ने। आइंस्टाइन सर ने इसको मोमेंटम के फॉर्म में भी लिखते हैं कई बार, मोमेंटम के टर्म में भी लिखा जाता है, मैंने मास के टर्म में लिखा है। तो इसमें क्या होता है, ये जो m नॉट होता है ये होता है रेस्ट मास, ये जो m होता है वो होता है मूविंग मास, v होती है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और c होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट। देखो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, उसका मूविंग मास हमेशा उस ऑब्जेक्ट के रेस्ट मास से ज्यादा होता है। कैसे? ये जो इक्वेशन दिया गया था आइंस्टाइन सर ने उसके वजह से, मान लो किसी ऑब्जेक्ट का मास रेस्ट मास m नॉट है, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी जो भी रहेगी तो ये जो टर्म आ जाएगा वेलोसिटी का, मान लो 10 मीटर पर सेकंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो ये 1 में से कुछ ना कुछ माइनस होगा, 1 में से माइनस होगा अंडर रूट है, तो ये जो भी टर्म आएगा ये 1 से छोटा आएगा, तो ये जो है ये वैल्यू बढ़ जाएगी कि नहीं? ये वैल्यू अगर 1 से छोटी है डिनोमिनेटर की तो m की वैल्यू इधर बढ़ जाएगी कि नहीं? यानी मूविंग मास हमेशा बड़ा होता है। इस केस में ही अपन ये सब कंसीडर क्यों करते हैं, मैकेनिक्स के केस में जो अपन ने 11th के चैप्टर्स पढ़े मैकेनिक्स, उसमें अपन मूविंग ऑब्जेक्ट जो भी लेते हैं उसका मास कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं करते उसका मास कंसीडर? क्योंकि देखो अपने डे टू डे लाइफ में जो वेलोसिटी अपन ट्रैवल करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होती है वो कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, मैक्सिमम जो अपन ने न्यूमेरिकल्स भी देखे होंगे वहां पे वेलोसिटी कितनी गई होगी? 100 मीटर पर सेकंड। 100 मीटर पर सेकंड नीचे वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁸, उसका भी स्क्वायर, तो ये फ्रैक्शन ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। 10 मीटर पर सेकंड और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो ये फ्रैक्शन ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। इसलिए जो डे टू डे लाइफ में अपन जो मैकेनिक्स वाले चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उसमें अपन ये चीजें कंसीडर नहीं करते कि वेलोसिटी के साथ मास चेंज हो रहा है, लेकिन चार्ज के केस में ऐसा नहीं होता रहता। चार्ज के केस में क्या होता है, चार्ज में जो वेलोसिटी ऑफ चार्ज हो जाती है वो बहुत ज्यादा होती है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अभी ये सब चार चैप्टर्स पढ़ोगे आप तो उसमें इंफ्रारेड गामा रेज की बात की जाती है, तो उसमें जो इंफ्रारेड गामा रेज जो है वो क्या होते हैं, चार्जेस जो लाइट की स्पीड के आसपास की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, उसमें भी वो चार्जेस होते हैं जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जो सी है और ये बी है इसके बीच का जो डिफरेंस था वो कम हो जाएगा, ये भी ऑलमोस्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्पीड से ट्रैवल करेगा। तो जब ये वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्पीड से ट्रैवल करेगा तो ये फ्रैक्शन अब मैटर करेगा, वन में से कुछ ना कुछ जो माइनस होगा ना यहाँ पे वो कुछ ना कुछ बड़ी वैल्यू देगा और मास बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए ये इक्वेशन जो है क्वांटम मैकेनिक्स, जो क्वांटम फिजिक्स अपन जो पढ़ते हैं उसमें बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि चार्ज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं, 10⁻⁶, 10⁻⁷ की स्पीड से चार्जेस ट्रैवल कर सकते हैं। उस केस में क्या होता है, मास चेंज हो जाता है, तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही बोला गया है कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड के बाद उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट जो बोला कि मास ऑफ चार्ज डिपेंड्स ऑन स्पीड, यानी मास जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड पे। अगर स्पीड बहुत ज्यादा हो गई, लाइट की स्पीड के पास हो गई तो मास बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा, यही इक्वेशन हमें आइंस्टाइन सर ने बताया था, ठीक है। और यहाँ पे जो चार्जेस होते हैं बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं, इसीलिए ये मैकेनिक्स में इक्वेशन अपन मास का यूज नहीं कर सकते। वहां भी होता है, अगर अपन डे टू डे लाइफ में अगर मैं दौड़ू तो मेरी स्पीड भी कुछ ना कुछ इंक्रीज होगी, बट इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं होती है, इतना ज्यादा मेरा मास इंक्रीज नहीं होता है उस वेलोसिटी की वजह से, क्योंकि मैं बहुत हुआ तो कितना मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग लूंगा,
2 मीटर 3 मीटर उससे इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो मेरा मास इंक्रीज होगा वो बहुत ज्यादा निग्लिजिबल इंक्रीज होगा, इतना ज्यादा कि हम उसे जीरो कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जब चार्जेस की बात आएगी तो चार्जेस बहुत ज्यादा वेलोसिटी से ट्रेवल कर सकते हैं, तब इस इक्वेशन में वेलोसिटी बहुत हाई हो जाएगी और मास जो है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगा। यही फर्क है कि मास ऑफ चार्ज डिपेंड्स ऑन स्पीड। ठीक है, इस चैप्टर का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, चार्ज कैन नेदर बी जैसे एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, कैन ट्रांसफर टू वन फॉर्म टू अनदर, वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी है। लेकिन इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन थोड़ी उससे अलग है, मीनिंग वही है लेकिन जो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो ये है, the total charge of an isolated system remains constant, यही होता है conservation of charge। इसका मतलब क्या, आइसोलेटेड, अब ये वर्ड तुमने कोविड में बहुत ज्यादा देखे होगे कि आइसोलेशन में है, आइसोलेट किसी को अगर कोविड हो गया तो उसको बोल रहे थे ना कि आइसोलेशन में रहता है, आइसोलेशन में रहता है। आइसोलेशन मतलब क्या, जिसने एटमॉस्फेयर के साथ आजू बाजू के लोगों के साथ उसने कॉन्टैक्ट तोड़ दिया, एटमॉस्फेयर के साथ उसने कॉन्टैक्ट तोड़ दिया, आइसोलेशन उनको बंद करके रखा, यानी सराउंडिंग के साथ उसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। तो वैसे ही अगर कोई सिस्टम है, मान लो ये सिस्टम है, इसके अंदर मैंने कोई दो चार्जेस रख दिए, ठीक है, मान लो इस पे 2 कूलम का चार्ज है, इसमें -3 कूलम का चार्ज है, ये तो ऑब्जेक्ट है, और ये जो दोनों चार्जेस हैं मैंने एक आइसोलेटेड सिस्टम में रख दिए। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या, जिसका सराउंडिंग के साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, यानी इंसुलेटिंग बाउंड्री के अंदर रख दिए, इसका सराउंडिंग के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। तो इसका जो टोटल चार्ज है, अगर मैं इसका टोटल चार्ज निकालू तो कितना हो जाएगा, +2 -3, यानी -1 कूलम का चार्ज है इस पूरे सिस्टम पे। तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, इसमें से वो जो ज्यादा कंडक्टिंग रहेगा या जो ज्यादा नॉन कंडक्टिंग रहेगा उनके बीच में क्या हो जाएगा, चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा। वो तो डिपेंड करेगा कि मटेरियल कौन सा यूज किया गया है, कौन ज्यादा कंडक्टिंग है, कौन कम कंडक्टिंग है। थोड़ी बाद के देर बाद के चार्ज ये सिस्टम के अंदर, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर चार्ज की वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब वो डिपेंड करेगा कि किसने किसको कितना चार्ज दिया, वो तो डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा दिया है, लेकिन इसका जो भी टोटल चार्ज रहेगा वो पूरे सिस्टम का, वो -1 कूलम के ही बराबर होगा। यही बोल रहा है, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एनर्जी का मैटर भी क्रिएटेड नॉन डिस्ट्रॉय, ठीक है, जैसे मैंने ये मार्कर है, मैंने इसको सब हाइट पे रखा, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, जैसे मैं इसको रिलीज कर दूंगा, ड्रॉप कर दूंगा, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, तो वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, टोटल एक सिस्टम का चार्ज जो आइसोलेटेड है, ध्यान रखना आइसोलेटेड, ये बुक में हर जगह आइसोलेटेड ही वर्ड यूज किया है, आइसोलेटेड मतलब सराउंडिंग के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर ये सराउंडिंग के साथ कुछ इंटरेक्शन करेगा तो उनके साथ भी इसका क्या हो जाएगा, चार्ज का ट्रांसफर। इसलिए टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट, यानी जितना इसके पास पहले चार्ज था आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज जो था वही टोटल चार्ज बाद में रहेगा। यही होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। होप आपको ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कांसेप्ट समझ में